गाजीपुर से किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार की रिपोर्ट। दुर्ग पुलिस के साथ साथ गाजीपुर जिले में तैनात ऐसे रमेश कुमार ने ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर लोगों को जागृत करने की पहल। दुर्ग पुलिस ने जहां एक ओर जनता को जागृत करने तथा ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए वीडियो तैयार किया, वहीं पर गाजीपुर में तैनात ऐसे रमेश कुमार जी ने समक्ष नागरिकों से किया निवेदन और उन्होंने कहा कि इस तरीके के वीडियो को फॉरवर्ड करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगने दें कि ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचे और न कि अफवाह भरे मैसेज फॉरवर्ड करें कि कोविड-19 के वैक्सीनेशन से तकलीफ होगी या कोई भी इस तरीके की बात जिससे लोगों में गलत संदेश जाए या भगदड़ मच जाए। पुलिस प्रशासन सरकार आपके हित के लिए कोरोना हो या लॉकडाउन हमेशा ड्यूटी पर तैनात रहे हैं, लोगों को जागृत करें और खुद भी जागरूक हो। और वही दुर्ग पुलिस ने उस वीडियो में यह बयां किया कि ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचा जाए और कहीं गंभीर जानकारी भी दी कि एनी डेस्क क्या है, कौन से नंबर पर आपको कस्टमर केयर को कॉल करना चाहिए। और यह पुलिस प्रशासन की तरफ से एक बहुत अच्छी पहल है जिसमें कि लोग नए कानून से रूबरू हो रहे हैं। चाय पिलाना यार। अरे मिंत्रा के कस्टमर केयर में फोन करना। अच्छा रुक मैं सर्च करती हूँ, तू फोन कर। हाँ मिल गया, डायल कर बता। 98261। एक मिनट जरा रुकिए, ये नंबर डायल मत कीजिएगा। क्यों? कस्टमर केयर में कभी मोबाइल नंबर नहीं होते। अच्छा हम आपको बताते हैं कि लोग ठगी के शिकार कैसे होते हैं। यदि आप ऑनलाइन खरीदी मिंत्रा अमेजन या फ्लिपकार्ट से यदि कर रहे हैं तो याद रखें, यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप गूगल से कस्टमर केयर का नंबर निकालते हैं। गूगल में कभी भी कस्टमर केयर का नंबर 1800 से या फिर लैंडलाइन नंबर होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि उसमें कभी भी मोबाइल नंबर नहीं होते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको या कहता है कि आप रिमोट एक्सेस ऐप जैसे कि एनी डेस्क डाउनलोड करें, एनी डेस्क ऐसा ऐप होता है जिससे आपके मोबाइल का पूरा एक्सेस जो है उनको मिल जाता है। उसके बाद आपके पूरे मोबाइल का रिमोट जो है वो उनके पास चला जाएगा और वो आपके मोबाइल का उपयोग करके वो सीधे आपके अकाउंट को खाली कर सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, कभी भी कस्टमर केयर में मोबाइल नंबर में संपर्क ना करें। और हाँ, अज्ञात व्यक्ति द्वारा दिए गए लिंक पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कभी भी ना करें। दुर्ग पुलिस सदैव आपके साथ है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस अभियान का आप लोग सभी हिस्सा बने। जय हिंद।